सीरीज ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो की खास बात है कि मैं ये डायरेक्ट क्लासरूम से अपने क्लासरूम से शूट कर रहा हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ डायरेक्ट वहीं से शूट कर रहा हूँ। इसके पहले सिंप्लेक्स मेथड पर 3 वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन ऊपर प्रेस करके भी उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप सिंप्लेक्स मेथड का मेरा 3rd लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखते हैं तो समझ में आएगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MA क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम बता चुके हैं, आज बता रहे हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करके कैसे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या, जरा समझो इसको यहाँ से, कि मान लो इस तरीके से कॉन्स्टेंट है 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो उसको इक्वलिटी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो सरप्लस वेरिएबल x3 है और ये सब्ट्रैक्ट करके इसको इक्वल में बदलें, और यहाँ पर भी इसमें भी हम लोग सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए x4 और इसको भी हम लोग इक्वल टू में बदलें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट से वो क्या बनेगा, 2, 5 और x3 का कोएफिशिएंट -1। ये x1 का कोएफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x3 का और x4 का 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें 3x1 का और x2 का 2, x4 का -1 है, तो x3 का तो 0 होगा और x4 का -1। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, पहले स्लैक वेरिएबल में, स्लैक वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता था वो यूनिट मैट्रिक्स आता था, और यहाँ पर जो सरप्लस वेरिएबल से बन रहा है x3 और x4 से, वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया है यहाँ पर, देख रहे हो ना। तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया है तो सिंप्लेक्स मेथड को हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि जो बेसिस मैट्रिक्स होता है वो क्या होना चाहिए, ये बेसिस मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेसिस मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, यूनिट नहीं है, तो उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग न्यू वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो एक और वेरिएबल यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, x3 और x4 तो यहाँ पर है ही, एक और वेरिएबल हम लोग a1 इक्वल टू 0 और इसमें a2 इक्वल टू 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, 2, 5 -1 x4 का 0 और a1 का 1 a2 का 0, यहाँ 3, 2 x3 का 0 x4 का -1 a1 का 0 और a2 का भी 1। तो अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो यूनिट मैट्रिक्स हो जा रहा है, अब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो न्यू वेरिएबल हम लोग a1 और a2 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, इसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और ये सिर्फ इसलिए करना पड़ता है ताकि जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ कॉन्स्टेंट से, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में एक यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए जिसको हम लोग बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल को आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है कि लेट अस कंसिडर द LPP इन विच कॉन्स्टेंट मे ऑल्सो हैव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन। अगर कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का साइन है तो वैसे LPP को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल BI आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितना भी BI होता है वो उसको सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बनाने के बाद ये देख लेना है कि साइन क्या है। तो साइन में अगर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, या फिर इक्वल टू का साइन है कॉन्स्टेंट में, तो वह उस तरीके के LPP को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इन सच प्रॉब्लम बेसिस मैट्रिक्स इज नॉट ऑप्टेंड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल।
जो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बन रहा है उसमें तो बेसिस मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ रहा था ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा था, ये X3 और X4 से जो मैट्रिक्स बन रहा था। तो देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल, इसीलिए हम लोग न्यू टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसी को आर्टिफिशियल वेरिएबल कह रहे हैं। दीज वेरिएबल्स आर फिक्टिटियस एंड कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। ये जो वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं वो फिक्टिटस है। फिक्टिटस मीन्स क्या हो गया कि काल्पनिक है, यानी कि उसका कोई सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, यानी कि वो लगभग जीरो के बराबर ही होगा, वो सिर्फ काल्पनिक है। सिर्फ हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, द आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक इज मेयरली ए डिवाइस टू गेट अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो टेक्निक है, वो सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने का एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस हो गया जो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, बाद में इसको हम लोग हटा देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। सो दैट द सिंप्लेक्स प्रोसीड्यूर मे बी अडॉप्टेड, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से एक यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स अगर आता है वहाँ पर कोफिशियंट मैट्रिक्स में, तभी हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सो दैट सिंप्लेक्स प्रोसीड्यूर मे बी अडॉप्टेड एज यूजुअल अनटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टेंड। तो ये सिर्फ एक डिवाइस, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो ऐड करते हैं वो सिर्फ एक डिवाइस है, ताकि हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के को अडॉप्ट कर सकें, और फिर बाद में ये तब तक हम लोग उसका प्रोसीड्यूर को करते हैं जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर दो फेज में ये काम होगा, सिंप्लेक्स मेथड का दो फेज में काम होगा। सबसे पहला फेज होगा कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग रिमूव करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल जब रिमूव हो जाएगा, कैसे रिमूव होगा, अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले करते क्या हैं कि जैसे यहाँ पर अब कितना वेरिएबल हो गया, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स है। कौन कौन है, X1, X2, X3, X4, A1 और A2। A1, A2 कांस्टेंट नहीं बल्कि ये भी वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसीलिए A1 और A2 से डिनोट कर रहे हैं। तो 6 वेरिएबल्स है, 6 अननोन्स है, और इक्वेशन कितना है, 2। तो 6 माइनस 2 मीन्स 4 हो गया। 4 वेरिएबल्स को जीरो पुट करना पड़ेगा बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो किसको जीरो पुट करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ देंगे, यानी कि जो यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे वेरिएबल को जीरो पुट कर देंगे। तो किसको जीरो पुट करेंगे, X1 इक्वल टू 0, X2 इक्वल टू 0, X3 इक्वल टू 0 और X4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर A1 और A2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, ये 7 था ना। तो उसके बाद जो है A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये X1, X2, X3 जीरो पुट कर दिए हैं, तो A1 का तो वैल्यू 0 आ रहा है, और यहाँ से X1, X2, .. X4 को जीरो पुट किए हैं, तो A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। तो जिसको हम लोग अपने से जीरो पुट किए हैं उसको हम लोग कौन सा वेरिएबल कहते हैं, नॉन बेसिक कहते हैं। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये जो वेरिएबल का वैल्यू आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक वेरिएबल। तो नॉन बेसिक तो निश्चित रूप से जीरो होता है, और बेसिक जो वेरिएबल है वो जीरो भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन नॉन बेसिक निश्चित रूप से जीरो होता है। तो फर्स्ट फेज में हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको नॉन बेसिक बनाएंगे। नॉन बेसिक बनाएंगे मीन्स इसका वैल्यू निश्चित रूप से क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो ये नॉन बेसिक बना देंगे, और उसके बाद बेसिक वेरिएबल यही सब चार में से कोई होगा दो, तो बेसिक वेरिएबल ये जब आ जाएगा तो इसको हम लोग इलिमिनेट कर देंगे, इसको हम लोग अपने प्रोसीड्यूर से हटा देंगे, A1 और A2 अब हटा देंगे, क्योंकि ये नॉन बेसिक बन गया, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड फेज में हम लोग काम करेंगे कि जो चार वेरिएबल से जो बनेगा इक्वेशन, जिसमें से दो बेसिक होगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो टू फेज मेथड में सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कि बेसिक वेरिएबल को, सॉरी आर्टिफिशियल वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, और दूसरा क्या काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं फिर जो X1, X2, X3, X4 से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें फिर हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करते हैं। तो टू फेज मेथड इसीलिए इसको कहते हैं कि फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं, और सेकेंड फेज में सिंप्लेक्स मेथड का फिर यूज करके आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या ठीक है ये? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड,
इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जहां x1 एंड x2 जो है वो नॉन नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन का है, तो इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करते हैं मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट, जेड को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस जेड करते हैं। कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज, हम लोग जेड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मिनिमाइजेशन का सवाल है वो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x1 माइनस x2, और माइनस जेड को हम लोग जेड डैश मान ले रहे हैं, यानी कि मैक्सिमाइज करना है जेड डैश इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2, जहाँ जेड डैश किसको सपोज कर रहे हैं, माइनस से जेड को, ये पहले बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं जब मिनिमाइजेशन का सवाल को मैक्सिमाइजेशन में जब कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो जितना भी बी है, यहाँ पर दो जगह है, एक 4 है और एक 7 है, ये दोनों पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नॉन नेगेटिव है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को थर्ड स्टेप में हम लोग काम करते हैं कि कांस्टेंट को इक्वलिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ दो तरह का वेरिएबल ऐड करेंगे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में सरप्लस वेरिएबल तो ऐड करते ही, और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x3 x4, दो इक्वेशन है, दो इन इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल x3 एंड x4 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 द कंस्टेंट बिकम्स, अब क्या होगा कंस्टेंट, जा समझो हम लोग लिखेंगे इसको 2x1 प्लस x2 और आर्टिफिशियल सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं x3, फिर यहाँ x4 के लिए जगह छोड़ देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम लोग a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं और इक्वल टू 4, क्या ठीक है ये। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग फिर उस तरीके से लिखते हैं x1 प्लस 7x2 और इसमें सरप्लस वेरिएबल हम लोग x4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे a2 और इक्वल टू है 7। यहाँ पर अब जैसे जो जगह छोड़े हुए हैं इसको कंप्लीट इक्वेशन बना सकते हो, 0 × x4 यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 0 × x4 ये तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 0 × a2, या तो फिर उसका ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग इसको 0 × x3 और 0 × a1 लिख सकते हैं। तो अब कंस्ट्रेंट को हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके इस तरीके से इक्वलिटीज में बदल दिए हम लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेसिक सॉल्यूशन लिखते हैं। तो दो फेज में हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे फेज फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल जो a1 और a2 इंट्रोड्यूस किए हैं उसको हम लोग रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए x1 को हम लोग 0 पुट करते हैं, x2 को 0 पुट करते हैं, x3 को और x4 को, ये चारों वेरिएबल को 0 पुट कर दिए। किसको 0 नहीं करना है पुट, जिससे बेसिस मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, जिससे बेसिस मैट्रिक्स बन रहा है, किससे बेसिस मैट्रिक्स बन रहा है, इससे a1 और a2 से बेसिस मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 1। तो ये चीज़ को 0 नहीं पुट करना है, बेसिस मैट्रिक्स वाला वेरिएबल को, उसके अलावा जितना भी वेरिएबल है उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। और इसके बाद इसको 0 पुट करने के बाद x1 x2 x3 x4 को 0 पुट करने से ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x4 का वैल्यू कोएफिशिएंट ही 0 है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और उसी तरीके से यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो a2 का वैल्यू आएगा 7। तो पुट दिस वी गेट, हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर a1 इक्वल टू 4 आ रहा है और a2 इक्वल टू 7 आ रहा है। तो दिस इज स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम लोग, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टेबल बनाते हैं, उसको सिंप्लेक्स टेबल नहीं कहो क्योंकि हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट
फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से सिंप्लेक्स में हम लोग पूरा टेबल बनाते थे वैसा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट नहीं बनाएंगे। देखो क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर बेसिक वेरिएबल को लिखते हैं, बेसिक वेरिएबल फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में यही लिखेंगे, और सेकेंड में बेसिक वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे, और जो जो यहाँ पर वेरिएबल है उसका कॉलम बनाएंगे। तो कौन कौन सा वेरिएबल है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन ए टू भी है। तो ए वन के करिस्पॉन्डिंग जो बनेगा उसको कैपिटल ए वन, और ए टू के करिस्पॉन्डिंग बनेगा उसको हम लोग कैपिटल ए टू लिख रहे हैं। अब ज़रा ध्यान देना, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इस लाइन से लाइन ड्रॉ करके इसको अलग कर दें, इसको हम लोग को बाद में हटाना है। अब क्या क्या कोएफिशिएंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर एक्स फोर का, यहाँ कंस्टेंट से हम लोग को पता चल जाएगा क्या क्या कोएफिशिएंट है। टू वन माइनस वन जीरो वन जीरो कोएफिशिएंट यही है ना। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है टू वन है, माइनस वन है, जीरो, फिर वन और जीरो। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में हम लोग कोएफिशिएंट देख रहे हैं कि ये वन है, सेवन, जीरो, माइनस वन और जीरो है और वन है। बेसिक वेरिएबल है क्या, बेसिक वेरिएबल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे इसको जीरो पुट कर दिए तो बाकी जो बच रहा है इसको बेसिक वेरिएबल कहेंगे। तो ए वन और ए टू यहाँ पर बेसिक वेरिएबल है, और बेसिक वेरिएबल का वैल्यू लिखना है यहाँ पर, तो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू है फोर और सेवन। अब इसमें हम लोग यही टेबल सिर्फ बनाएंगे, पूरा सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबल था वो पूरा हम लोग कंप्लीट नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही काम करेंगे हम लोग। अब इसमें से क्या करते थे सिंप्लेक्स मेथड में, सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग एक आउटगोइंग ऑप्टिमलिटी चेक करते थे, अगर डेल्टा निकालते थे सारा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो नहीं होता था तो हम लोग फिर क्या करते थे, किसी एक वेक्टर को रिमूव करते थे। कौन सा वेक्टर को रिमूव करते थे, बेसिस मैट्रिक्स का वेक्टर को रिमूव करते थे। तो यहाँ पर तो ये ऑप्टिमलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी हटाना ही है, ये जो बेसिस मैट्रिक्स है उसका कॉलम को यहाँ पर हम लोग को एलिमिनेट करना ही है, हटाना ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना है ना, इसको बेसिक से क्या बदल देना है, नॉन बेसिक में बदलना है। तो इसमें से किसी भी एक कॉलम, दोनों कॉलम को हटाना है, लेकिन बारी बारी से हम लोग करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे फिर सेकेंड कॉलम को हटाएंगे। तो किसी को भी पहले फर्स्ट को हटा सकते हो, यानी आउटगोइंग वेक्टर यही दोनों में से कोई होगा, पहले आउटगोइंग और इनकमिंग करते थे ना, तो यहाँ पर यही दोनों में से एक आउटगोइंग होगा, और कौन इनकमिंग होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो आउटगोइंग तुम दोनों में से किसी को भी फर्स्ट में कर सकते हो, दोनों को तो हम लोग को हटाना ही है, रिमूव करना ही है, बेसिस मैट्रिक्स यही है। तो ये जो बेसिस मैट्रिक्स का कॉलम है उसमें से दोनों को हटाना ही है, तो एक एक करके हटाएंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग ए टू को हटाते हैं, तो यहाँ पर एरो का साइन दे देंगे, ये आउटगोइंग हो गया। अब इनकमिंग कैसे चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा इनकमिंग होगा, तो जरा ध्यान देना, बेसिस मैट्रिक्स में पता होगा ये लिख रहे हैं हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन जो कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन दोनों को सेटिस्फाई करता है उसी को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा हम लोग को रिमूव इनकमिंग करना है वेक्टर को, ताकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आ रहा है, बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू आ रहा है वो कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल वर्ड लगा हुआ है। फिजिबल का मतलब क्या हो गया, फिजिबल का मतलब हो गया कि कंस्टेंट को भी और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा, बता चुके हैं पहले। तो कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ जाए। जैसे देखो, मान लो अगर हम लोग इसको हटा रहे हैं और इसके बदले हम लोग इसको इनकमिंग कर रहे हैं, इस वेक्टर को, यानी फर्स्ट वेक्टर x1 को हम लोग इनकमिंग करना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 0, 1 है यहाँ पर भी हम लोग को 0, 1 लाना पड़ेगा। तो ये 0, 1 लाने के लिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, अब इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 14 यानी कि कितना, माइनस 10। तो माइनस 10 आ गया, क्या ये पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है,
क्योंकि ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए तो फिजिबल में नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव आ गया, इसीलिए हम लोग इसको इनकमिंग नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़, इसको इनकमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग अगर करते हैं तो बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। तो अब ये एक एक करके चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट से स्टार्ट करोगे और उसके बाद एक एक करके चेक करोगे कि किसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है। तो इसमें तो नहीं आया, रफली कर सकते हो, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। अब उसके बाद इस पर आते हैं, अगर इसको इनकमिंग करते हैं तो क्या होता है, जरा हम लोग देखते हैं आगे। तो एक काम कर सकते हो कि जो दो तीन टेबल जो बनेगा वो इसी में हम लोग बना सकते हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, सेकेंड टेबल जो है वो बना सकते हैं यहीं पर। तो इसको जो है यहाँ पर हम लोग एरो का साइन देंगे और यहाँ पर एरो का साइन देंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। और जरा ध्यान देना, अगर इसको हटाना है तो की एलिमेंट ये हो जाएगा, अगर इसको इनकमिंग करना है तो की एलिमेंट ये हो जाएगा, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, वन। तो वन बनेगा कैसे, इसमें हम लोग सेवन से डिवाइड कर देंगे, तो सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पर सेवन से डिवाइड करेंगे तो वन बाय सेवन, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वन, यहाँ जीरो और यहाँ माइनस वन बाय सेवन, यहाँ जीरो और यहाँ पर वन बाय सेवन। अब उसके बाद सेवन से डिवाइड होने के बाद ये कॉलम आ गया, अब इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रो है इस रो को इस रो में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या ठीक है, इस रो में से इस रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पर इसको इनकमिंग बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जीरो वन था तो यहाँ भी जीरो वन लाना है, तो वन तो यहाँ पर ले आए, अब इसको जीरो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, फोर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्री, टू में वन बाय सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्टीन बाय सेवन हो जाएगा, और वन में वन जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन, जीरो में माइनस वन बाय सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे वन बाय सेवन, और वन में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे वन, और जीरो में वन बाय सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन बाय सेवन। क्या बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू आया है वो नेगेटिव आया है क्या, तो इसका मतलब ये इनकमिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ अब हम लोगों का हट चुका है, इसको अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले बताएं कि फेज वन में हम लोग एलिमिनेट करते हैं ए वन ए टू को, तो इसको अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हट चुका है, इसका काम खत्म हो गया, ये आउटगोइंग हो गया, यानी कि ये नॉन बेसिक बदल गया। अब बेसिक वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, तो देखो हटाए हैं ए टू को और इनकमिंग वेक्टर हुआ एक्स टू, तो ए टू के बदले कौन सा वेरिएबल आएगा जो इनकमिंग हुआ है, तो ए वन तो ज्यों का त्यों रहेगा और बेसिक वेरिएबल ए टू जो था उसके बदले हो जाएगा यहाँ पर एक्स टू, यानी ए टू क्या बन गया, नॉन बेसिक बन गया। अब देखो ये जो नॉन बेसिक बना है, अब फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ए वन को अब हटाना पड़ेगा, ए टू तो हट चुका है, ये नॉन बेसिक बन गया, अब इसको नॉन बेसिक बनाना है, इसको हटाना है, तो ये आउट गोइंग होगा, अब ये आउट गोइंग होगा तो इनकमिंग किसको करेंगे हम लोग, तो ये वन जीरो है यहाँ पर, तो वही वन जीरो यहाँ पर लाना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल, किसी एक कॉलम को। तो या तो तुम फर्स्ट को ला सकते हो, इसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम, यानी कि ये बेसिक बन चुका है, यानी कि एक्स टू जो है वो बेसिक बन चुका है, तो इसको अब नहीं चेंज करना है, इसको इनकमिंग नहीं करना है, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो या तो हम लोग x1 को इनकमिंग कर सकते हैं, या x3 को कर सकते हैं, या x4 को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, तो तुम चेक कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि इनकमिंग जब करेंगे तो हम लोग किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट कॉलम से, या तुम स्टार्ट कर सकते हो लास्ट कॉलम से भी, लास्ट कॉलम से भी स्टार्ट करके देख सकते हो, इधर पीछे आ जाओ, या फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हो तो इससे आगे बढ़ जाओ। तो चलो x2 को तो करना नहीं है अब, या तो x1 को कर सकते हैं, या फिर x3 को कर सकते हैं, या x4 को कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x4 को करते हैं, क्योंकि बनाना क्या है, 1 बनाना है, तो 1 बना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा ना, और यहाँ पर अगर इसको 1 बनाना है तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 बाय 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो इसी को हम लोग करते हैं, इसको इनकमिंग करते हैं, क्योंकि ये आसान होगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसी में आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 बन जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 21, यहाँ 7 से करते हैं तो 13, यहाँ 0, यहाँ -7 और यहाँ 1। ध्यान देना, किसी को भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आ चुका है उसको छोड़ करके किसी भी को कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं इसको, लेकिन तुम किसी को भी कर सकते हो। अगर ये भी बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये भी बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ ध्यान ये चीज़ का रखना है कि ये होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इसको नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसको नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक ये और एक ये, तो ये भी तुम ट्राई करके देखना क्या आता है। हम फिलहाल ये वाला ले रहे हैं, तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और अब क्या करेंगे, ये 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आ रहा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना ये कॉलम आ चुका है, अब इसी में से कोई भी ऑपरेशन को अप्लाई करके यहाँ पर 0 बनाना है, तो 1/7 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 1/7 मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो, तो 1/7 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 यहाँ पर ऐड करेंगे क्या होगा, 4। यहाँ पर हम लोग 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो ध्यान देना 1/7 में ऐड कर रहे हैं, इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करके, तो 13/7, तो ये हो जाएगा 14/7, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2। इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1। इसमें हम लोग 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो -1। यहाँ पर 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 और यहाँ ऐड करेंगे 0। और यहाँ पर ये वाला अभी लिखे नहीं थे ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको 7, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटगोइंग हो चुका है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो 0 होगा ना, ये इसमें ना मल्टीप्लाई किए थे, ध्यान देना x2 में हम लोग 1/7 को, सॉरी इसमें किए थे ना, तो इसमें किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। ठीक, ये 1/7 हो गया और इस 7 से मल्टीप्लाई किए थे, राइट, 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो 7 हुआ, और 1/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। तुमको अगर ये दिक्कत है तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग ये इनकमिंग कर रहे हैं तो ये इनकमिंग कर रहे हैं तो 1-0 है यहाँ, तो यहाँ पर 1-0 बनाना पड़ेगा। तो 1-0 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको 1 बना रहे हैं, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 यहाँ 13 0 -7 यहाँ पर करेंगे तो 1 और यहाँ करेंगे तो 7, और ये तो रिमूव कर सकते हैं। और सेकेंड कॉलम क्या बचा हुआ है, 1/7 1 0 -1/7 और 0। दो स्टेप में काम करना है, तो दो स्टेप को हम लोग सिंगल एक ही स्टेप में लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दो स्टेप में हम लोग, पहला एक स्टेप ये हो गया, अब दूसरा स्टेप का काम, पहला फर्स्ट स्टेप में क्या किए कि इसको 1 हम लोग बनाएं, ये 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है, यानी कि अब ये 0 बनाना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या काम होगा, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ पर 21 13 0 -7 1 7 रहने देते हैं, और इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 13/7 + 1/7 14/7 आने के 2। यहाँ पर 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा। 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसमें ऐड करेंगे -1। 1/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0। 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ ऐड करेंगे तो 1। क्या दिक्कत है अब, तो ये दो स्टेप में काम हो रहा है, तो ये हो गया। अब इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया है, तो अब इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। अब हमारा बेसिक वेरिएबल क्या बन गया, जरा ध्यान देना, यहाँ A1 जो है वो रिमूव हुआ है, और A1 रिमूव होकर के कौन सा इनकमिंग बना है, X4 इनकमिंग बना है। तो X4 इनकमिंग बना है, तो A1 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर, X4, और X2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब बेसिक वेरिएबल कौन सा बन गया,
एक्स फोर और एक्स टू जो है वो बेसिक वेरिएबल बन गया, और ए वन जो ए टू इस जो पहले बेसिक था वो अब नॉन बेसिक में कन्वर्ट हो गया। तो नॉन बेसिक का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। नॉन बेसिक का वैल्यू जीरो होता है, तो अब वो तो ऑलरेडी आर्टिफिशियल वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो गया, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब फिर हम लोग सेकेंड फेज का काम करेंगे, यानी कि यही टेबल हम लोग यही मैट्रिक्स यहाँ से लेंगे और इसी टेबल को हम लोग सिंप्लेक्स टेबल में इंट्रोड्यूस करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल में रखेंगे, और फिर यहाँ से अब चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमल है या नहीं, ये जो बेसिक वेरिएबल आया है या ये जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। अब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल में जो काम करते थे सिंप्लेक्स मेथड में वो काम अब करेंगे। तो फर्स्ट फेज में ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना, ये ऑलरेडी रिमूव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत है किसी को? अब देखो फेज टू में हम लोग क्या करते हैं कि नाउ वी कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। अब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। जो पहले टेबल बनाया था वो सिंप्लेक्स टेबल नहीं था, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने का काम कर रहे थे हम लोग। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया, अब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल का काम करेंगे, यानी कि अब हम लोग चेक करेंगे कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकला है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल है तो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो फिर उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग जो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं वही टेबल बना रहे हैं, बेसिक वेरिएबल यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ सी बी, यहाँ एक्स बी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ही चार ही वेरिएबल बचा हुआ है क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो चुका है और मिनिमम रेशियो। तो जरा ध्यान देना यहाँ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज करना था जेड डैश को, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर चुके थे। तो जेड डैश का वैल्यू कितना था? -x1 -x2, और साथ में हम लोग 0x3 + 0x4 भी लिख सकते हैं कंप्लीट बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सी जे लिखते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल का रहता है। तो एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है? -1, एक्स टू का -1, एक्स थ्री का 0 और एक्स फोर का है 0। तो ये कोएफिशिएंट हम लोग लिख गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक वेरिएबल यहाँ पर जो है, बेसिक वेरिएबल कहाँ से आया? जो पहले हम लोग टेबल बनाए हैं तो एक्स फोर और एक्स टू बेसिक वेरिएबल था, तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर हम लोग एक्स फोर और एक्स टू लिख गए हैं। अब उसके बाद ये जो मैट्रिक्स बच रहा है, ध्यान देना ये वाला जो है वो हट चुका है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हट चुका है, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो यहाँ पर है उसको लिखना है। तो किसको लिखना है? एक्स बी का वैल्यू लिखना है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर का। तो एक्स बी का वैल्यू कितना है? 21 है और 4। एक्स वन का वहाँ पर देख रहे हो 13, 2 है, और एक्स टू का 0, 1, फिर एक्स थ्री का -7, -1, और एक्स फोर का 1 और 0। यहाँ पर सी बी लिख लेते हैं। सी बी मीन्स क्या हुआ कि एक्स फोर का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट, तो एक्स फोर का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, और एक्स टू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट ये है -1। क्या दिक्कत है किसी को? तो ये काम हम लोग, ये जो लास्ट टेबल आया था वहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ऐसे हम लोग उसके पहले जेड डैश लिख लेते हैं। जेड डैश इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम ऑफ जेड डैश था, तो जेड डैश का वैल्यू क्या होता है? जेड डैश का वैल्यू सी बी इंटू एक्स बी होता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 × 21 + -1 × 4, कितना हो जाएगा? ये -4 आ रहा है, जेड डैश का वैल्यू -4 आ रहा है। अब डेल्टा वन निकालते हैं। तो डेल्टा वन निकालने का जो तरीका होता है वो सी बी इंटू एक्स वन -C1। तो सी बी को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा? सी बी को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 13 + -1 × 2, और फिर C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 क्या है? -1। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ आ रहा है -2, और ये --+1, यानी कि कितना आ रहा है? ये -1 आ रहा है। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर जो β1 और β2 जो लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स का, पहला कॉलम को β1 और दूसरा कॉलम को β2, तो कौन सा β1 और कौन सा β2 है? तो यूनिट मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 0 होता है और दूसरा कॉलम 0 1 होगा। तो 1 0 मतलब β1 ये वाला है, x4 जो है वो β1 है, x4 जो है वो β1 है, और β2 कौन सा है? 0 1, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो लिखते हैं 1 0 0 1, ये ना यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो फर्स्ट कॉलम 1 0 देखो कहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, तो ये β1 हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम जो होता है 0 1, वो 0 1 यहाँ पर है, तो 0 1 यहाँ पर आने की ये β2 हो जाएगा, x2 जो है वो β2
टू हो गया। तो बीटा टू और बीटा वन का तो निश्चित रूप से डेल्टा क्या होता है, जीरो, उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुम निकाल भी करके भी देख सकते हो। जैसे जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, माइनस वन में फिर माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। और यहाँ पर बीटा टू के लिए देखो तो जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और उसमें जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जीरो आएगा। यहाँ पर हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं कि जीरो माइनस से वन जीरो, और माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, प्लस वन में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे वन। तो इस तरीके से सारा डेल्टा हम लोग निकाल लिए। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है अगर सभी डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ पर तो सभी डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, एक डेल्टा जो है वो नेगेटिव आ चुका है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेल्टा वन इक्वल टू माइनस वन विच इज लेस देन जीरो, तो देयर फोर एबव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल नहीं है। तो हम लोग को अब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक इनकमिंग होगा और एक आउटगोइंग होगा। तो इनकमिंग कौन होता है, जो इसमें से मोस्ट नेगेटिव होता है, तो फिलहाल तो एक ही नेगेटिव है तो यही इनकमिंग हो जाएगा। और आउटगोइंग कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स वन का निकालेंगे। यहाँ पर एक्स वन है तो एक्स वन का निकालेंगे, जो इनकमिंग है वही यहाँ पर लिखते हैं। तो एक्स बी और एक्स वन का मिनिमम रेशियो निकालते हैं, तो कितना आएगा ये 21/13, एक्स बी का वैल्यू और एक्स वन का, ये दोनों का मिनिमम रेशियो लेना है। तो 21/13 और यहाँ पर 4/2, तो 4/2 का वैल्यू 2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या 2 से कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। तो मिनिमम कौन सा हो गया, यही ना, ये 2 आ रहा है और ये 2 से कम है, तो मिनिमम रेशियो यही हो गया। तो मिनिमम रेशियो के आगे बढ़ेंगे और ये जो इंट्रिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर है, इससे आगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये की एलिमेंट हो गया, इससे आगे बढ़ें और इससे आगे बढ़ें, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, ये की एलिमेंट, और इससे फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स फोर आ रहा है, तो एक्स फोर ही आउट गोइंग होगा, एक्स फोर जो है वो आउट गोइंग होगा। मिनिमम रेशियो के सामने जो वेरिएबल आ रहा है, बेसिक वेरिएबल, वही आउट गोइंग होगा। तो ये आउट गोइंग हो गया और ये हो गया इनकमिंग। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो कॉलम बन रहा है, इस कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, 1-0 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स का पहला कॉलम बीटा वन बनाएंगे, 1-0 बनाएंगे। तो 1-0 बनाने के लिए, यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या काम करेंगे, हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग 0 बना देंगे। तो दो स्टेप में काम होगा, चलो देखते हैं उसको नेक्स्ट टेबल। तो अब हम लोग एक रफ वर्क थोड़ा कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे हम लोग इसको क्या करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना रहता है, ये 1-0 जो है वही यहाँ पर 1-0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 21/13, यहाँ 1, यहाँ 0, ये -7/13, ये 1/13 हो जाएगा। और नीचे जो है वो 4, 2, 1, -1, 0 रहेगा ही। अब उसके बाद हम लोग इस कॉलम को बना रहे हैं, ये सेकेंड कॉलम जो है x1, इसको बना रहे हैं 1-0। तो ये तो 1 आ चुका है, अब इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42/13। तो यहाँ आ रहा है 52 - 42, 10/13। तो ये हो जाएगा 10/13, यहाँ तो 21/13, 1, 0, -7/13 और 1/13, ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और ये 2 से मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ 10/13 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या होगा, -1, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना 14/13, तो -13 + 14, 1/13, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/13। तो ये बन गया। तो दो काम करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले 1 बनाते हैं फिर इसको 0 बनाएं। तो ये दो काम हुआ, दो स्टेप में हुआ। तो लास्टली ये टेबल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स बी के सामने, ये जो है वो एक्स बी का कॉलम है, पहला कॉलम। तो ये आ रहा है 21/13 10/13, और नेक्स्ट आ रहा है 1-0, उसके बाद है 0-1, नेक्स्ट है -7/13,
1/13 और लास्ट है 1/13 -2/13। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, जो यहाँ पर था वही वहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ज़रा ध्यान देना, ये रफ वर्क था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बेसिक वेरिएबल कौन सा हो जाएगा ये देखो। तो आउटगोइंग कौन सा हुआ X4 और इनकमिंग कौन सा हुआ X1, मतलब X4 के बदले क्या आएगा X1। X4 जो बेसिक वेरिएबल था वो हट चुका है, वो उसके बदले X1 आ रहा है, तो X4 के बदले X1 लिखेंगे और X2 तो ज्यों का त्यों रखेंगे। तो बेसिक वेरिएबल X1 हो गया और X2 तो ज्यों का त्यों, और उसका कोएफिशिएंट यहाँ CJ लिख लेंगे। तो CJ में कोएफिशिएंट क्या था, -1 -1 0 0 था, तो यहाँ पर भी वही, ये तो चेंज होता नहीं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट है। अब बेसिक वेरिएबल का यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो X1 का कितना है, X1 का -1 है, और X2 का क्या है, ये भी -1 है। अब Z' निकाल लेंगे, तो Z' इक्वल टू होता है CB × XB, तो CB और XB को मल्टीप्लाई करेंगे -21/13 ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ रहा है -10/13, तो ये दोनों ऐड करके -31/13 आ गया, तो -31/13 हो रहा है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी डेल्टा को निकालेंगे। तो डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, β1 β2 क्या है वो भी हम लोग जरा लिख लेते हैं। तो β2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, वो तो चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी कि X2 ही β2 था, और β1 हट चुका है, β1 आउटगोइंग हो चुका है, और इसके बदले ये इनकमिंग हुआ है, तो β1 X1 हो जाएगा, तो ये β1 हो गया। तो β1 और β2 का डेल्टा 0 होगा, तुम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और β3, अब इसका X3 का डेल्टा निकालते हैं, यानी कि δ3 निकालते हैं, तो ये कैसे निकलता है, CB × X3 - C3। तो CB को X3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान देना, -1 -7/13 और -1 + 1/13, तो ये -1/13 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0, तो 7/13 - 1/13 6/13 हो गया। फिर यहाँ पर इसको CB को X4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, -1 × 1/13 -1/13 -1 - 2/13 +2/13 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है ये C, तो -0, तो ये कितना आ रहा है 1/13, तो यहाँ पर 1/13 हो गया। और तुम देख रहे हो कि सारा डेल्टा जो है वो अब पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सेकेंड फेज में क्या काम करते हैं तुम लोग देख रहे हो कि सेकेंड फेज में हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड का जो प्रोसीड्यूर था बिल्कुल वही प्रोसीड्यूर को अपनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट फेज यहाँ पर एक अलग है कि फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि सिंस ऑल δJ > 0, ये सभी δJ > 0 है, तो देयरफॉर एबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यही हो जाएगा। यानी कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, X1 का वैल्यू क्या आएगा, X1 का वैल्यू, ये बेसिक वेरिएबल का वैल्यू बताता है ना, तो X1 का वैल्यू है 21/13, X2 का वैल्यू है 10/13, ये हो गया बेसिक वेरिएबल। और इसके अलावा जो वेरिएबल है X3 X4 वो क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक, तो नॉन बेसिक का वैल्यू क्या होता है 0, तो X3 X4 0 है, तो वो X3 X4 तो लिखते नहीं हम लोग सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में X1 और X2 ही दिया हुआ था, X3 X4 तो हम लोग सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए थे ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ X1 और X2 लिखेंगे। और ऐसे भी सरप्लस वेरिएबल जो है X3 X4 नॉन बेसिक बन गया, नॉन बेसिक का वैल्यू 0 होता है, तो ये बेसिक वेरिएबल हो गया। और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा, यह ध्यान देना, सिंस Z' का वैल्यू कितना है -31/13 इम्प्लाइज Z' के बदले -Z था, पहले सपोज किए थे कि Z' को ही -Z माने थे, -Z इक्वल टू -31/13, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, Z का वैल्यू आ गया 31/13, यानी कि ये क्या निकल गया, मिनिमम वैल्यू, Z का मिनिमम निकालना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 31/13, तो यही सॉल्यूशन हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज X1 = 21/13, X2 = 10/13 और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू
31/13। क्या क्लियर है ये? तो ये सेकेंड फेज का क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेकेंड फेज का सवाल को बनाएंगे हम लोग।